हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएलसी बेस्ड कलर सॉर्टिंग सिस्टम। पीएलसी तो हमने यूज़ किया है, प्लस हमने साथ में कलर सेंस करने के लिए हमने अर्डिनो का हेल्प लिया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक कंपोनेंट्स के रिलेटेड पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा कलर सेंसर है जो कि TS3200 मॉडल नंबर है इसका। ओके, ये दो एयर पिस्टन हम यूज़ कर रहे हैं एयर सिलेंडर कलर शॉर्ट करने के लिए। और ये जो कलर सेंस करेगा, इसकी जो प्रोग्रामिंग है हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। हम पीएलसी क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो भी हमारी आर्डिनो में प्रोग्रामिंग है, अगर कोई एक पर्टिकुलर कलर को सेंस कर रहा है, तो सेंस करने के बाद आर्डिनो अपने आउटपुट से हमारे ये रिले बोर्ड को ऑन करेगा। तो हम दो अलग अलग कलर सेंस करवा रहे हैं, तो एक अगर कलर सेंस किया तो एक रिले ऑन होगा और दूसरे कलर से दूसरा रिले ऑन होगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ से पीएलसी को इनपुट पे सिग्नल भेजना है तो हमें 24 वोल्ट की सिग्नल भेजना रहता है। तो हमारी जो रिले की जो आउटपुट टर्मिनल है, हम कॉमन से और एनओ से घुमाकर हम पीएलसी के इनपुट पे 24 वोल्ट की सिग्नल भेज रहे हैं। मतलब ये कि अगर कलर सेंस हुआ तो हमारी पहले आर्डिनो बोर्ड के पास जो रिले है वो ऑन होगी, वो रिले से हमारी पीएलसी के इनपुट पे 24 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। ओके, और ये कन्वेयर है हमारा। कन्वेयर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम डेल्टा की ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डेल्टा की ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ओके, ये हमारी पीएलसी है जिसके रिलेटेड मैं बता रहा था, एलन ब्रैडली की माइक्रोलॉजिक 1000 वाली पीएलसी है। ओके, तो अब आते हैं हम वापस से, इसको हम वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे ही मैं रेड कलर के बॉक्स को रखता हूँ तो ये रेड कलर जो है शॉर्ट हो जा रहा है। अच्छा, इसको ये पिस्टन कब मूव करेगा, कब पुश करेगा, उसके लिए हमने पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिखा है कि अगर पीएलसी के इनपुट जीरो पे सिग्नल आया तो उतने देर बाद हमारी एक आउटपुट ऑन होगी पीएलसी की, तो पिस्टन एक्टिव हो जाएगा। राइट, ऐसे ही ग्रीन बॉक्स के लिए भी वही है। अगर दूसरे इनपुट पे इनपुट वन पे सिग्नल आया तो उसके बाद हमारी कुछ एक या दो सेकंड के बाद हमारी दूसरी पिस्टन काम कर रही है जो ग्रीन बॉक्स को शॉर्ट आउट करेगा। ओके, तो एक बार और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं ग्रीन बॉक्स रखता हूँ, तो आप देखिए ग्रीन बॉक्स जैसे मैंने रखा वो ग्रीन को शॉर्ट आउट कर दिया, ये देखिए रेड को शॉर्ट आउट कर दिया। अब हम दोनों साथ में रखते हैं, पहले ग्रीन रख देते हैं उसके बाद रेड रखते हैं, ये देखिए दोनों शॉर्ट आउट हो गया। ये देखिए इसकी कलर की जो रेंज होता है दोनों का अलग अलग रेंज है। ये थोड़ा हल्का है कलर में और ये डार्क है ग्रीन, तो इसको तो सेंस कर लेगा, तो शायद इसको सेंस नहीं कर पाए। ये देखिए इसको सेंस नहीं कर पाया और ये देखिए इसको सेंस कर लिया, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम पहले ग्रीन रखते हैं और फिर रेड रखते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो, प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पीएलसी स्काडा ऑटोमेशन की ट्रेनिंग होती है, तो आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।